हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। तो फिर आज हम फिर से परमेश्वर के सामने हैं और आज हम रात्रि की प्रार्थना के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं। आज रात्रि की प्रार्थना हम परमेश्वर से करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके विनती करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देख लें। शाम के समय रात्रि में जब हम सोने जाते हैं तो हमारा एक दिनचर्या के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके सोएं, ताकि प्रभु हमें अच्छे से संभाले, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाए, ठीक है। तो प्रार्थना के साथ हम आज के रात्रि को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन से देखेंगे प्रभु आज हम सबसे आज के दिन, आज की शाम क्या बातें करते हैं, ठीक है। तो प्रिय भाई बहनों, हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता से। तो इससे पहले कि हम वचन पढ़े, सभी लोग अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और प्रार्थना के साथ प्रभु के संगति में रहें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वचन को पढ़ते हैं। वचन भजन संहिता उसका अध्याय 34 वचन 8 और 9 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वचन 8 में इस प्रकार लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा बहुत भला है, परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है और धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है। जो परिवार का मुखिया जो परमेश्वर के शरण में है, उसका परिवार हमेशा आशीषित परिवार होता है, उसका परिवार हमेशा परमेश्वर के वचन में चलने वाला परिवार होता है। इसीलिए परिवार के मुखिया को चाहिए कि वो निरंतर परमेश्वर के वचनों में चले, अपने आप को परखे और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर क्या है, वो भला है और उसी का शरण लेना चाहिए। हर परेशानी में, हर मुसीबत में यहोवा की शरण लेना चाहिए और जो यहोवा की शरण लेते हैं, यहोवा उन पर दया करते हैं, दृष्टि करते हैं अपनी दया की और उन्हें संभालते हैं। उनके जीवन में शैतान चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत लाए, परेशानी लाए, उन सब में से निकाल कर चलाने के लिए यहोवा परमेश्वर सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? जो यहोवा की शरण लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अपने परिवार के मुखिया हैं, अगर आपके परिवार में सब आप सबसे आप बड़े हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के वचन में अधिक चलें और लोगों को, अपने परिवार के लोगों को चलाएं और प्रार्थना के साथ जीवन जिए, बाइबल के अनुसार चलें, ठीक है ना। ये एक परिवार के मुखिया का काम है, ये करना चाहिए। और उसके अगर हम 9 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, ठीक है। परमेश्वर कह रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवइयों को किसी बात की घटी नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसका भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानना ये नहीं होता कि परमेश्वर आपको बड़े बड़े मूछे करके आपको डराएगा, आंखें गोल गोल करके आपको डराएगा, ये भय नहीं है। परमेश्वर का भय पवित्र भय, यानी कि उसके वचन के अनुसार चलना। अगर वचन में नहीं चलेंगे तो वो हमें नरक में डाल देगा, ऐसी बातों को सोचना। हमारे जीवन में प्रभु नहीं होंगे तो हम अनंत काल में चले जाएंगे, बुराई में पड़ जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा। इस भय के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसी चीजों को हमें देने जा रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी स्वर्ग राज में हमें लेकर जाने वाला है। तो परमेश्वर का डर मानना है कि अगर हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे तो वो हमें नाश कर देगा, क्योंकि हमें उससे नहीं डरना है जो हमारे शरीर को नाश कर सकता है, ठीक है ना। शैतान क्या करता है, आपके शरीर को नाश कर सकता है, आपको दुख दे सकता है, आपको परेशानी दे सकता है और आपके शरीर को नाश कर सकता है। लेकिन किससे डरने की बात कहता है बाइबल? कहता है उससे मत डरो जो आपके शरीर को नाश करता है, परंतु उससे डरो जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को आग की झील में डाल सकता है, नाश कर सकता है, ठीक है। तो वो कौन है? वो है परमेश्वर, जो स्वर्ग और नरक दोनों जगह का स्वामी है। वो दोनों जगह उसके अधिकार में है। स्वर्ग में डालने का अधिकार भी परमेश्वर के पास है, नरक में डालने का अधिकार भी परमेश्वर के पास है, ठीक है, क्योंकि वो स्वर्ग और नरक दोनों का स्वामी है। इस चीज को याद रखें। इसीलिए जो यहोवा के पवित्र लोग हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसका डरवैया बन के रहना चाहिए और ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी वस्तु भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती है, ठीक है मेरे प्रियो। तो बुराई से अपने जीवन को हटाओ, इधर उधर की बातों छोड़ दो
व्यभिचार करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, एक दूसरे की बातों को इधर की उधर करना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर के सच्चे वचन के अनुसार चलो तो परमेश्वर का भय मानना आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रभु के हाथों में समर्पण करो। तो आज इस रात में परमेश्वर हम सबको ये वचन के द्वारा कह रहा है कि आप मुझ पर विश्वास करो, मुझे परख कर देखो और मेरी भय मानोगे तो मैं सारी वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना करें। आज की रात्रि की प्रार्थना हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके करेंगे, ठीक है। तो आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन पूरा दिन आपने संभाला चलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे घर को संभाला है, जितने भाई बहन लोग हैं उन सबको संभाला है प्रभु जी, जो इस समय मेरे संग प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें भी संभाला है पिता। इसलिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज रात्रि में परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को सुरक्षित रखे, सबको चलाए, अच्छी नींद प्रदान करें परमेश्वर पिता, सोने के लिए मदद करें प्रभु जी, और कोई भी बीमारी में है परमेश्वर तो उन्हें परमेश्वर आप चंगाई दें। और स्वामी हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा कि रात भर प्रभु जी आप उनकी रक्षा करने पाए परमेश्वर पिता, उनके जीवन में शैतान कोई भी कार्य ना करे। यीशु के लहू में उन सबको फिर से छुपाते हैं पिता, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके घर के चारों ओर यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगाते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें, उनके घर के चारों ओर पहरा देते रहें प्रभु, जिस प्रकार अब तक संभाला प्रभु, अब तक आपने उनके घर की रक्षा की प्रभु जी, आपके स्वर्गदूतों ने उनकी रक्षा की प्रभु, आगे भी पिता परमेश्वर आप उनकी रक्षा करते रहें परमेश्वर पिता, आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते रहे प्रभु जी। और जब ये सोने जा रहे हैं परमेश्वर पिता तो आप इन्हें अच्छी नींद प्रदान करें प्रभु, इनको एक उत्तम नींद दे, शैतान इनके बुद्धि से विवेक से खिलवाड़ ना कर सके, इधर उधर के दुष्ट शैतान इनके दिमाग में अलग अलग बातें ना डाल सके, गलत गलत सपने ना दिखा सके प्रभु जी, और ये अच्छे से प्रभु जी एक अच्छी नींद ले, और आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर चलने के लिए इनकी सहायता करें, इनके शरीर में शैतान सोते वक्त कोई भी गलत काम ना कर सके, कोई भी परमेश्वर शैतान इनके शरीर पर अधिकार ना रख सके प्रभु। इन सब बातों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आज रात्रि के समय आप सबको संभालेंगे प्रभु, जितने भाई बहन लोग इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु उन सबकी सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु जी सारी बातों के लिए, सारी चीजों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें चलाने वाले परमेश्वर आप हैं, हमारे सृजनहार परमेश्वर आप हैं, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह आप हैं, हमें परमेश्वर अगुवाई करने ले पवित्र आत्मा आप हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, कोटि कोटि धन्यवाद करते, हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को प्रभु आप दूर करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो स्वर्ग के राजा, धन्यवाद हो न्याय करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद करके फिर से पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय हम सब मिलकर आपको महिमा देते हैं, हमारे शरीर प्राण आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले, परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा उठाने पाए। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो प्रभु जी। आप संभाले प्रभु जी, इस संसार में जितने लोग आज रात्रि के समय सुने जा रहे हैं उन सबके लिए परमेश्वर आपकी महिमा उनके जीवन में होने पाए। आप जैसे चला रहे हैं उसी प्रकार प्रभु उन्हें चलाते रहे पिता परमेश्वर, आपके आत्मा में बढ़ाते रहे प्रभु, आपकी कलीसिया के आत्मा में बढ़ाते रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से सारी बातों के लिए, आपने हमारी प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, उनके परिवार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी प्रार्थना सुनी इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमेन आमेन।